मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी सी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड देयर सम प्रॉपर्टीज, उसका एडिशन दे रैशनल नंबर का एडिशन देखे थे और उसको कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। तो आज हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज। तो कोई भी रैशनल नंबर फॉर एनी टू रैशनल्स, कोई भी दो रैशनल्स हम लोग मान लेते हैं ए बाई बी एंड सी बाई डी, तो हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ए बाई बी इंटू सी बाई डी को क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू सी, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कि बी इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल 4/3 इंटू -5/7, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7, यानी 4 × 5 = 20। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस मेरा माइनस, 7 × 3 = 21, तो ये मेरा रिजल्ट। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल नंबर का। नेक्स्ट हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर्स, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते तो मेरा क्या देगा, रैशनल नंबर ही देगा। यानी कि हम ले लेते ए बाई बी और सी बाई डी, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिए हम, उसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करते यानी ए बाई बी इंटू सी बाई डी, तो मेरा जो प्रोडक्ट देगा वो भी क्या होगा, मेरा रैशनल नंबर ही होगा। सपोज मान लेते हैं देर कंसीडर द रैशनल नंबर 1/2 एंड 3/7। मान लेते हैं रैशनल नंबर मेरा 1/2 और 3/7, दो रैशनल नंबर मान लिए। अब तो क्या कह रहा था कि प्रोडक्ट, अभी इसका ना इसका प्रोडक्ट कैसे करें, तो प्रोडक्ट करने के लिए 1/2 इंटू 3/7, तो 1 × 1 यानी 1 × 3 यानी कि 3, 2 × 7 यानी कि 14। तो देख रहे कि जो मेरा रिजल्ट दिया यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट दिया 3/14, ये भी मेरा क्या है, विच इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ये भी मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। यानी कि जो कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, जैसे यहाँ पे दो रैशनल नंबर लिए थे वही 1/2 एंड 3/7, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर। 3/14 में मेरा क्या आया, रैशनल नंबर। यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन में क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करता है मेरा। नेक्स्ट है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। या कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, इफ़ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर एनी टू रैशनल नंबर्स, देन ए बाई बी इंटू सी बाई डी इजकल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर अगर हम लोग इसको कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या देगा, सेम देगा, है ना। जैसे सपोज कर लेते हैं हम कंसीडर द रैशनल नंबर 2/5 × 3/7, तो पहले हम लोग 2/5 × 3/7 करते हैं तो मेरा क्या देगा, 2 × 3 यानी कि 6, और 5 × 4 यानी कि 20, ये रिजल्ट दिया। अब हम कुछ दूसरा ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो बाद में लिखे थे उसे हम लोग पहले लिखते हैं, जो पहले लिखे थे उसे हम लोग बाद में लिखते हैं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या देता है। तो पहले क्या लिखेंगे, 3/4 × 2/5 = क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, एंड 4/5 = 20। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी ऑर्डर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट मेरा क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, इक्वल दे रहा है। यानी कि 2/5 × 3/4 = 3/4 × 2/5, यानी कि जो मेरा प्रॉपर्टी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मेरा क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि सही बोल रहा है, कोई भी ऑर्डर में हम लोग रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा क्या देगा, सेम देगा। नेक्स्ट है मेरा एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में क्या लेंगे, हम तीन रैशनल नंबर ले लेंगे, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी एंड ई बाई ई फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स, देन कोई भी तीन रैशनल नंबर ले लिए हम लोग, ठीक है। तो ए बाई बी इंटू सी बाई डी ब्रैकेट क्लोज इंटू ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ ब्रैकेट क्लोज। यानी कि इसमें भी देख रहे हैं, इसमें तीन नंबर लिए हैं, इसको भी अगर हम लोग कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तीन रैशनल नंबर को, तो वो भी मेरा क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा। यहाँ पे इक्वल दिखा रहा है यानी कि सेम रिजल्ट देगा। तो तीन रैशनल नंबर हम लोग सपोज कर लेते हैं 1/2 × 3/2 × 1/2 × 3/2 एंड 4/3, तीन रैशनल नंबर कंसीडर कर लिए। देन फर्स्ट क्या है मेरा, ब्रैकेट के अंदर ए बाई बी यानी 1/2, नेक्स्ट मेरा सी बाई डी यानी कि 3/2, ब्रैकेट क्लोज इंटू ई बाई एफ यानी कि 4/3, थर्ड रैशनल नंबर यानी 4/3। अब देखते पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 3 = 3, 2 × 2 = 4, यानी 3/4 × 4/3। अब 4 × 3 = मेरा क्या हो गया, 12, और 4 × 3 = मेरा 12 इक्वल टू मेरा 12 मेरा कट गया तो 1 बार में यानी कि 1। यानी कि हम इस और इस तरफ देखते हैं, एल एच एस हम लेते हैं तो मेरा क्या आता है, 1 आता है। तो आर एच एस हम लेके देखते हैं, यानी कि ए बाई बी को हम बाहर लिख रखेंगे यानी 1/2 को हम बाहर रखेंगे, और ये दोनों को क्या लिखेंगे, अंदर में ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या आता है। तो यहाँ ले लिए 1/2 को बाहर ले लिए इंटू 3/2 × 4/3, तो क्या आया मेरा, 1/2 बाहर का बाहर रहेगा इंटू 3/4 = मेरा 12 एंड 3 × 2 = 6,
ये हो गया मेरा यानी कि 12/6 आ गया। अब 12 1 जा मेरा क्या होता है 12 एंड 6 2 जा 12, यानी 12 12 ये भी कट जाएगा तो मेरा 1 देगा। यानी कि जो RHS हम लिए वो RHS जो लेफ्ट राइट हैंड साइड था वो भी अगर हम लोग लेके देखते हैं तो मेरा भी रिजल्ट क्या आता है 1 ही आता है। यानी LHS में भी मेरा 1 आया था और RHS में भी मेरा क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। यानी कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो मेरा क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। यानी 1/2 × 3/2 ब्रैकेट क्लोज × 4/3 = 1/2 × 3/2 × 4/3 यानी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हमको प्रूफ करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन अगर हमको बोलेगा कि वेरीफाई करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे LHS को ले लेंगे। LHS को ले लेंगे बाद सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे RHS को लेके सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वल आता है तो वो मेरा वेरीफाई हो गया यानी LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में यानी कि 1 यानी कोई भी रैशनल नंबर को हम क्या आइडेंटिटी मतलब कि जो भी 1 कोई भी रैशनल नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमको वही सेम नंबर देगा। कोई भी रैशनल नंबर हम लेते हैं अगर उसको हम कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वही देगा मेरा नंबर। तो ऑब्वियसली कि हम लोग 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या देता है वही नंबर देता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा 1। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं इफ़ ए बाई बी इज़ एनी रैशनल नंबर कोई भी ए बाई बी को हम कोई भी रैशनल नंबर मान लेते हैं ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा ए बाई बी इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए बाई बी इक्वल टू ए बाई टी। देख रहे हैं यहाँ पे हम रैशनल नंबर कौन सा लिए थे ए बाई बी तो ए बाई बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है ए बाई बी ही आ रहा है। देयरफॉर क्या होगा 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल्स। यानी 1 को हम क्या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं रैशनल्स का। एग्जाम्पल के लिए लेते कंसीडर द रैशनल नंबर 3/4 रैशनल नंबर 3/4 को हम लोग मान लेते हैं। देन 3/4 इंटू 1 क्या आ जाएगा मेरा 3/4 इंटू 1 इंटू 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है मेरा। तो न्यूमरेटर को 3 से 3 मल्टीप्लाई करें 3 और 4 इंटू 1 ही मेरा 4। वैसे ही हम ये साइड भी लेते हैं 1 को भी पहले 1 × 3/4 इज इक्वल टू 1 × 3/4 यानी 3 × 1 3 4 इंटू 1 मेरा 4 यानी देखिए दोनों इक्वल आ रहा है दोनों सेम आ रहा है ना। देयरफॉर 3/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 × 3/4 इज इक्वल टू 3/4 यानी आइडेंटिटी क्या है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। नेक्स्ट है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव पहले क्या था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि सेम नंबर देगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि वैसा नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है रैशनल नंबर को कि मेरा रिजल्ट मेरा 1 दे। यानी एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर यानी कि जीरो रैशनल नंबर में जीरो नहीं होना चाहिए। ए बाई बी कोई भी मान लेते हैंज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बी बाई ए होगा। देख रहे हैं अगर हम लोग ए बाई बी को अगर बी बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा मेरा 1 देगा ना क्योंकि कट जाएगा। या फिर बी बाई ए को हम अगर 1/b से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 1 देगा। यानी कि कोई भी नंबर का मेरा बी बाई बी के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं रेसिप्रोकल यानी इनवर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो यानी कोई भी नंबर b बाई ए दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा a बाई बी हो जाएगा इनवर्स। जैसे a से a कट गया b से b कट गया तो मेरा रिजल्ट क्या दे रहा है 1 दे रहा है ना। इसीलिए तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता ठीक है। इस हिसाब से क्या है यहाँ पे पहले ही बोल रहे हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए यानी जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा। जस्ट जीरो है ठीक है जिसके नंबर मान लीजिए 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। तो ये तो कोई नंबर है ही नहीं इसलिए जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो जैसे यहाँ नंबर ले एग्जांपल के रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 क्या हो जाएगा 7/5 सिंस क्योंकि 5/7 × 7/5 इज इक्वल टू 7/5 × 5 × 7 इज इक्वल टू मेरा क्या दे रहा है 1 कट जाएगा तो मेरा 1 ही देगा ना। तो हम लोग रेसिप्रोकल को कैसे डिनोट करते हैं जैसे ए बाई बी रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बाई बी का रेसिप्रोकल मेरा क्या होगा ए बाई बी का रेसिप्रोकल मेरा होता है बी बाई ए। अब हम लोग इसको लिखें कैसे इसको अगर ए बाई बी के फॉर्म में हो तो ए बाई बी का क्या लिखते हैं यहाँ पे इनवर्स लिखते हैं यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे ए बाई बी का इनवर्स ए बाई बी इनवर्स ठीक है। यानी कि ऊपर में माइनस 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे इनवर्स उसको पढ़ेंगे इनवर्स मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल। तो क्लियरली ए बाई बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई ए। नंबर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर यानी कोई भी 3 रैशनल नंबर ले लेते हैं इफ़ ए बाई बी सी बाई डी एंड ए बाई एफ एनी 3 रैशनल नंबर्स देन क्या हो जाएगा मेरा ए बाई बी इंटू ब्रैकेट के अंदर सी बाई डी प्लस ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी फिर प्लस का साइन फिर ए बाई बी इंटू ई बाई एफ ये मेरा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करते जैसे 3/-3/4 2/3 और -5/6 मेरा 3 रैशनल नंबर है तो क्या लिखेंगे हम लोग -3/4 इंटू पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना
मेरा LHS हम लेके सॉल्व करते हैं, LHS में मेरा इसी फॉर्म में था मेरा a बाई बी इंटू बी सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, यानी इस फॉर्म में था तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 3/4 2/3 प्लस माइनस 5/6, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो बाहर के अंदर थे माइनस 3/4 इंटू 3/6 कैल से मेरा 6, 3/2 6 यानी 2/2 4 और प्लस माइनस मेरा क्या होगा माइनस और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे माइनस 3/4 था तो वही लिख दिए और माइनस यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो मेरा 1 और ये माइनस का साइन 5 बड़ा है तो माइनस का 1 और नीचे मेरा 6 था 6। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा और 3 × 1 मेरा 3 और 6/4 = 24, 3 से कट जा रहा है 8 बार में, 3 × 8 = 24 यानी मेरा क्या दे रहा है 1/8। अब मेरा RHS में क्या था मेरा a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस a बाई बी इंटू ई बाई एफ, ये था मेरा RHS। तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं, तो पहले हम ले लेते हैं a बाई बी इंटू सी बाई डी, तो a बाई बी यानी माइनस 3/4 इंटू 2/3 तो क्या आ जाएगा माइनस 3/2 यानी 3/2 = 6 प्लस माइनस मेरा माइनस और 4/3 = 12, 6/2 = 12 यानी माइनस 1/2। दूसरा मेरा a बाई बी इंटू ई बाई एफ यानी कि माइनस 3/4 इंटू माइनस 5/6 तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस मेरा प्लस, 5/3 = 15 और 6/4 = 24, 3 का टेबल से कट जाएगा 3/5 = 15 और 3/8 = 24 यानी 5/8। अब ये दोनों का क्या था सम था ना, यहाँ पे ऐड था ना RHS में मेरा, तो ऐड करेंगे हम क्या लिखेंगे माइनस 3/4 इंटू 2/3 प्लस, यही था ना मेरा RHS में इस टाइप से प्लस इतना, तो ये इसका इसका कितना आया था मेरा माइनस 1/2 और इसका सॉल्व करने पर मेरा कितना आया था 5/8 कर दिया। अब 2 और 8 का LCM मेरा क्या हो जाएगा 8, तो 2/4 = 8 यानी 4/1 = 4 और माइनस का मेरा माइनस प्लस का प्लस, 8/1 = 8 यानी 5 × 1 = 5, 5 में से 4 गया तो 1 और नीचे मेरा 8 यानी देख रहे हैं यहाँ भी मेरा 1/8 आया। यहाँ जो हम लोग LHS लेके सॉल्व किए थे इस फॉर्म में वो भी मेरा क्या है 1/8 यानी ये दोनों क्या हो गया इक्वल आ गया मेरा। देयरफॉर 3/-3/4 इंटू 2/3 प्लस 5/-5/6 इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस 3/4 इंटू माइनस 5/6। अगर कोई क्वेश्चन में हमको बोले कि हमें वेरीफाई करना है इस फॉर्म में, अगर मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ हो इस फॉर्म में, क्वेश्चन लिखा हुआ मेरा कि वेरीफाई करना है हमको इसको, तो पहले हम इसको LHS लिख करेंगे जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बनाए थे उस फॉर्म में, फिर हम लोग RHS को लेके चलेंगे, पहले ये वाला पार्ट लेके सॉल्व करेंगे या फिर साथ में हम लोग RHS को दोनों लेके ही चल सकते हैं सॉल्व करके, इसको इसको सॉल्व करके हम जैसे अभी सॉल्व किए थे एवर में इस टाइप से, वैसे ही हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो अगर दोनों मेरा यहाँ पे भी मेरा 1/8 आ गया था और यहाँ पे भी मेरा 1/8 आया था दोनों को, यानी कि LHS = RHS, वैसे ही हमें ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है वेरीफाई करना है।